हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया ही रहना। तो अभी सुबह का 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं निकल चुका हूँ भुरकुंडा के लिए। तो अभी जाएंगे पतरातू होते हुए, जाएंगे पतरातू वैली को पार करते हुए और खूबसूरत नज़ारे का एंजॉय लेते हुए पहुँचना है भुरकुंडा। हम देखते हैं। तो फिलअप हो गया भाई साहब, यहाँ पे फिलअप कर लिए, अभी सीधे निकलना है, अभी कहीं रुकना नहीं, एकदम नॉन स्टॉप चलना है, एकदम स्लोली स्लोली जाएंगे, ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे। 11:30 बजे तक पहुँचना है। तो अभी यहाँ से कट जाएंगे अंदर बोड़िया होते हुए जाएंगे और सीधे रिंग रोड पर खाली रास्ता है, बस टाइगर हॉल निकलेंगे, उसका थोड़ा दूर पड़ेगा भीड़ भाड़ा का, उसके बाद फिर उधर खाली मिलने वाला है। तो गाइस अभी पकड़ लिए हैं बोड़िया वाला रोड, तो आगे थोड़ा सा आगे में टाइगर हिल है, तो टाइगर हिल जा सकते हैं आप लोग, तो किसी दिन जाना होगा। तभी सीधे निकलते हैं कांके, यही वाला रोड सीधा निकालेगा बोड़िया कांके रिंग रोड। वहां से भी हम निकल सकते थे रांची कॉलेज होते हुए, लेकिन यही वाला हमको अच्छा लगता है। जब इधर से जाता हूँ ना मैं, तो कांके मैं तो कांके तरफ जाता हूँ, तो इधर से ही आता हूँ, इधर से मैं ठीक लगता है, तो खुला खुला एरिया। अभी मैं पहुँच गया हूँ रिंग रोड, तो यहाँ से कम 1 किलोमीटर रास्ता जाना पड़ेगा, उसके बाद राइट टर्न करना है ओवरब्रिज के नीचे से पतरातू के लिए। तो अभी थोड़ा सा लेते हैं रिंग रोड का मज़ा, तब ना भाई अभी खुला खुला जगह में थोड़ा मजा आएगा, ऐसे रोड मिलता है तो काफी चलाने में थोड़ा बढ़िया लगता है। तो चलो भगा के देखते हैं थोड़ा गाड़ी। चुके हैं भाई अभी, तो आप तीन तीन जा रहे हैं, देख रिंग रोड पे सब मजा ले रहे हैं, आप धीरे से ही जाएगा और तो पूरा रांची को घुमा है, तो यहाँ से जाना है नीचे, फिर राइट मोड़ के सीधे पतरातू पिठोरिया पिठोरिया फिर पतरातू आ जाएगा। अगर मेन रोड से आते तो इधर से आते वाला रोड में, इधर से आया रास्ते, अगर इधर से आते तो पे सब पेंटिंग चल रहा है अभी रोड का, इधर देख सकते सामने का नजारा, देख सकते हैं भाई सामने पिठोरिया पहाड़ है और रोड एकदम मस्त सबसे चमक रहा है, तो काफी मस्त लग रहा है देखने में। एक दोस्त यहीं पे करता है काम, पता नहीं अभी छुट्टी में है कि घर में है कि ड्यूटी में, पता नहीं, जस्ट पहाड़ के नीचे में, तो एकदम खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उतना जो आंखों से दिख रहा है उतना कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं, लेकिन काफी खूबसूरत नजारा दिख रहा है भाई। रामगढ़ 48 किलोमीटर है और यहाँ से देख सकते हैं रोड और पहाड़ का कॉम्बिनेशन, देख सकते हैं भाई लाजवाब लग रहा है, काफी खूबसूरत 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 लग रहा है भाई, एकदम मस्त लग रहा है, देख ही सकते हो। वीडियोग्राफी करते जाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, जहाँ 1 घंटा है ना वहाँ 2 घंटा लगता है, क्योंकि आराम से चलना पड़ता है, स्पीड से जाएंगे तो कहाँ नज़ारा देख नहीं पाएंगे, आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा मजा कहाँ आएगा भाई। तो इधर के नज़ारा चेक कर सकते हैं, व्यू चेक कर सकते हैं भाई, इधर का काफी खूबसूरत पहाड़ का नज़ारा। तो ये है पिठोरिया चौक, तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ मेरा दोस्त का घर है, ये वाला रास्ता सीधा इधर ले जाता है काठी डांड की तरफ, तो हम फोन को सीधा सीधा जाना है, और ये एक पिठोरिया का छोटा टाउन बोल सकते हैं इसको, देख सकते हो भाई यहाँ का नजारा अभी देखना शुरू स्टार्ट हो गया है, बस एंजॉय लेते रहिए, मजा आया है, देख सकते हो इधर का व्यू काफी खूबसूरत लग रहा है भाई, एक नंबर। Internet's gone low, so time is for making love with you. So
I'ma sit and just lay in my bed with the frost in my head, getting stuck to the race with you. For a sleep and cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find some. तो भाई साहब यहाँ से स्टार्ट होता है व्यू पॉइंट। तो यहाँ से दिखेंगे आप लोगों को खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और अभी नेचर पे एंजॉय लेते चलिए। भाई साहब काफ़ी भीड़ भाड़ा का नज़ारा आ रहा है, आगे में चलते हैं, इसको पार करते हैं, उसके बाद दिखेगा ये पूरा व्यू। छक दे रहा है गाड़ी, यहाँ पिकनिक सब आए हैं बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे लोग देख सकते हैं इधर बांस लेके घूमने आए थे लोग। पतरा तो लेग संताना है किसका है पता नहीं। अरे यहाँ से नजारा देख सकते हो भाई साहब, नारियल पानी फुचका पानी पूरी सब है। तो खूबसूरत वादियों में आप सबका स्वागत है। पूरा फोटो वीडियो चल रहा है भाई यहाँ पे। तो मैं भी पहुंच गया हूँ पतरातु घाटी। अभी तो इतना भीड़ नहीं है लेकिन भीड़ होएगा। पूरा पानी पूरी का ठेला लग गया, आइसक्रीम लग गया, अभी तो सीजन आ गया गर्मी का। आई लव यू, आई लव पतरातु वैली लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई साहब मैं तो पहुंच गया भाई साहब पतरातु वैली, पतरातु घाटी का भी मजा लेते हैं, एकदम फोटो वोटो लेते हैं इकट्ठो, फिर निकलते हैं आगे। तो व्यू पॉइंट सीधे यहाँ से दिखता है पूरा नीचे का नज़ारा, जहाँ से लोग खड़े हैं ना, दुकान सब लगे हैं वहाँ से, तो नीचे से भी देख सकते हैं। और एक पॉइंट है वहाँ पे, वहाँ से भी नज़ारा दिखता है काफ़ी खूबसूरत। देख सकते हो यहाँ से पूरा लेक दिख रहा है भाई साहब, और यहाँ से पूरा रोड दिख रहा है नीचे, खूबसूरत वादियों का नजारा देख सकते हो। डैम और रोड पूरा खबी खूबसूरत लग रहा है, एक नंबर लग रहा है भाई, देख सकते हो इधर व्यू, और सामने पतरातु लेक और रोड का नज़ारा देख सकते हो, काफी लाजवाब है। तो चलो चलते हैं आप, निकलते हैं सीधे भूरकुंडा की तरफ। पतरातु घाटी खत्म, अब सीधे पतरातु डैम आएगा, पतरातु लेक आएगा, जहाँ काफी बढ़िया बना दिया है, रिसोर्ट सब है, और ऐसे खेलने कूदने के लिए बच्चे लोगों के लिए तो यहाँ बहुत बढ़िया बना दिया, पहले तो कुछ नहीं था, अभी तो एक नंबर बना दिए, देखने में काफी खूबसूरत लगता है। और बोटिंग सब बहुत होता है, बोटिंग सब स्पीड बोट सब है। पतरा तो लेफ्ट पहुंच गए हैं, तो इधर राइट साइड में देख सकते हैं इधर बोटिंग वोटिंग सब चल रहा है, तो मछली सब पाला है साइड में, काफी बड़ा डैम है अभी तो, अभी बहुत ज्यादा पानी है, अभी गर्मी के मौसम में थोड़ा सा काम हो जाता है, लेकिन ऐसे तो रहता है, बोटिंग वोटिंग होता है, मछली वछली बहुत ही पानी रहता है, बहुत ज्यादा काम रहता है, थोड़ा बहुत काम हो जाता है। तो इसका आगे से मेन गेट है, चलो दिखाते हैं कहाँ पे मेन गेट है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं, तो पतरातु लेक पूरा रिसोर्ट सब बन गया है, सब कुछ बन गया भाई, पहले तो यहां पूरा कुछ नहीं था, बस एक डैम था और बोटिंग वोटिंग होता था बीच में, मैं तो ऐसे कुछ नहीं था। थार खड़ी है, थार बिहार, और इधर पतरातु ले जाएगा इधर, अरे डायनासोर बन गया है। आज तो बंद है ऐसे लग रहा है, ये है मेन गेट भाई, आज बंद है, बंद काम चल रहा होगा अंदर में, इसलिए बंद किया है।
आज खुला नहीं है और पार्किंग है यहाँ पे, आज बंद है भाई साहब। मतलब कोई आदमी ना जान नहीं दिख रहे हैं, कुछ होगा तभी बंद किया है। 11:10 हुआ है और यहाँ से मुझे लगेगा कम से कम 25 मिनट। और यहाँ से इसका गेट है, जाए पहुंच गए भुरकुंडा। तो भुरकुंडा के लिए यहाँ से अंदर घुसना पड़ता है, तो ये जगह का नाम ही भुरकुंडा है शायद, तो इधर मेन भुरकुंडा अंदर घुसना पड़ता है। कौन सा जगह है, नहीं भुरकुंडा ही पड़ते हैं, तो यहाँ से अंदर घुसना है भुरकुंडा के लिए भाई, सीधा रामगढ़ ले जाएगा भुरकुंडा बाजार 0.5 किलोमीटर। तो जगह यही भुरकुंडा है, तो मुझे अंदर जाना है उधर बाजार के से थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। अरे इधर देख सकते पूरा डस्ट डस्ट है। सामने में बाजार है भुरकुंडा, तो आप उनको जाना है इधर से राइट। बाजार उधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से आ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो जब बाजार ही का है तो पूरा भीड़ भड़क लग रहा है, हो सकते हैं बाजार उजार होगा। इंडिकेटर देखता नहीं था, आंधा कानून सब रहा। तो ये वाला रास्ता में जाना है अंदर। रोड काफी खराब है भाई। तो यहाँ से एक छोटा सा ग्राउंड है भाई, और उधर थोड़ा झाड़ी वाड़ी है, इधर घर सब है, तो ये थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा मुझे। यहाँ ये वाला गाली में घुसना है अंदर। ब्रेक इतना पकड़ नहीं रहा था, मैं तो पूरा पकड़ रहा यार ब्रेक। क्या हो गया भाई ब्रेक एकदम बन गया क्या? सामने देख सकते हो नजारा, तो यहाँ से उतरना पड़ेगा अपन को। यहाँ से व्यू देख सकते हो, तो पहुंच गया अपना डेस्टिनेशन। तो यहाँ से उठा, यहाँ से दीदिया को ले फिर जाना है भी, और माझी वहाँ काम है कुछ, वहां से अभी यहाँ से फिर निकलेंगे। तो भाई यहाँ से देख सकते हो नजारा कुछ ऐसे है, पहुंच गया यहाँ से, फिर यहाँ से फिर जाना है और माझी अभी। तो भाई अभी निकल रहे हैं भुरकुंडा से, अभी रामगढ़ होते हुए जाएंगे, रामगढ़ सिटी पार करके रामगढ़ घाटी पार करेंगे फिर और माझी आएंगे। तो माझी में कुछ काम है, तो वहाँ फिलहाल अभी वहीं के लिए निकलते हैं। सामने का व्यू चेक कर सकते हो भाई, पहाड़ सामने काफी मस्त लग रहा है, और धूप अभी बहुत ज्यादा आ गया है, और इधर पूरा डस्ट डस्ट है, अभी गर्मी का सीजन पहुंच गया है। तो भाई साहब इस तरह से पहुंचे रामगढ़ सिटी, भुरकुंडा से रामगढ़ 17 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंचे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ फिर अभी रांची रोड में रांची के लिए निकलना है भाई। तो ये है मेन चौक इसका, थोड़ा सा आगे में बस स्टैंड, तो ये है रांची हजारीबाग, किधर किधर जाता है। तो बहुत भीड़ भड़ाक लग रहे हैं अभी तो।
रामगढ़ टाउन तो भीड़ को देख सकते हो। तो आगे बस स्टैंड है और यहाँ पे टेकर स्टैंड है, ये वाला टेम्पो स्टैंड टेकर स्टैंड इधर है। तो ये रहा बस स्टैंड रामगढ़ का भाई, इधर से घूम सकता है, ये वाला है और ये वाला है। तो इसके पीछे में तो अभी फोर लाइन पहुंच चुके हैं, तो अभी चढ़ना है ऊपर और सीधे रांची के लिए निकलना है। तो ये फोर लाइन है रांची टू धनबाद, तो काफ़ी लंबा फोर लाइन है। तो अभी चलना है इसी में, एक टोल प्लाजा मिलेगा बीच में और माझी से पहले। ट्रक बहुत धीरे धीरे चल रहा है, अपना लोड चलता है ना ये लोग इधर। अभी थोड़ा ऐसे अपना ज़्यादा खर्च नहीं है, चढ़ाई नहीं है लेकिन है लंबा चढ़ाई है ऐसे, इसको थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कतें होती है। लारंग लारंग वाला तो यहाँ पर ट्रक पलट गया है, दो ट्रक पलटा है नजारा आप लोग देख सकते हैं। शादी वाला गाड़ी भाग रहे हैं नहीं है, मतलब पूरा एक चक्कर हो गया, पूरा रामगढ़ रांची एक चक्कर वहाँ गए गए तो पतरा की तरफ से आ रहे हैं इधर रामगढ़ की तरफ से। और यहाँ से देख सकते हो रोड का व्यू और सामने खूबसूरत से पहाड़। तो भाई साहब पहुँच गए हैं और माझी, और ये कहाँ ले जाएगा, पिठोरिया। इधर तो पिठोरिया भी निकल सकते हैं हम लोग। तो और माझी पहुंच गए हैं, तो आगे जाना है करनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है देखते हैं। पूरा टेम्पो का लाइन लगा हुआ है गाइस, देख सकते हैं ये साईनाथ यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा है। एक नदी है यहाँ, छोटा सा नाला के किनारे में बसा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे कुछ काम है तो यहीं पे आए हुए हैं। तो साईनाथ पहली बार आए हम इस एरिया में और अभी खुला खुला एरिया है, इधर देख सकते हो इधर बैल सब चरा रहे हैं लोग। और इसे कुछ जगह है यहाँ पे देख सकते हो साईनाथ मंदिर, भाई साईनाथ मंदिर बोला था। तो देख सकते हो काफी खूबसूरत है, बिल्डिंग दिख रहे हैं बढ़िया। तो ये रहा भाई साईनाथ यूनिवर्सिटी।